हेलो फ्रेंड्स, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पिंडी छोले, जिसे हम अमृतसरी छोले भी कहते हैं। काफी बार हम मार्केट में देखते हैं और हमारा मन करता है वो जो छोले कुलचे वाला होता है ना, वैसे हमारे छोले बन जाए। ये शादियों में वो काले काले छोले बनते हैं ना, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो बस आज हम वही वाले सेम छोले बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार वो छोले लगते हैं। तो अमृतसरी छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बाउल काबुली चना लिया है और इसको मैंने ओवरनाइट डिप करके रात को छोड़ दिया था। तो मैंने इस वाले बाउल से ये 2 लिए थे। तो बस अब सबसे पहले हम इनको बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसे कुकर में डाल दिया और सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे और उसमें मैंने 3 ग्लास पानी डाला है और इसमें हम 1.5 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। आपके पास जो भी चाय की पत्ती है हम इसमें वही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच चाय की पत्ती डाल दी है और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। एक अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए हमारे छोलों में, तभी तो दिखेंगे वो काले काले और मज़ेदार। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम फिल्टर कर लेंगे इनको इन छोलों में। तो बस इस स्ट्रेनर से इनको हम अच्छे से छानेंगे। इसके अलावा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। तो हमें बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल करना। बस अब हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे और 5 मिनट के लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। अब एक बढ़िया सा मसाला तैयार करेंगे। 5 टेबलस्पून जीरा, 2 तेज पत्ते, 4 लाल मिर्च ली है मैंने और थोड़ा सा हम इसमें दालचीनी डालेंगे, 1 हम नटमेग डालेंगे, 7-8 इसमें हम काली मिर्च डालेंगे साबुत, 6 से 7 इसमें मैं लौंग ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हम इसमें जावित्री डालेंगे, 5 से 6 मैं इसमें हरी इलायची डाल रही हूँ। और अब हम इन सबको मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। वैसे तो रेडीमेड मसाला भी आता है छोले वाला मार्केट में, लेकिन आप जब भी पिंडी छोले बनाना चाहें वही काले वाले मज़ेदार, तो इसके लिए आप हमेशा रेडी करें अपने आप को मसाला। इसको लगातार हम मिक्स करते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और हम 1 चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे और ये बस हम लगातार इसको तक मिक्स करते रहेंगे और इसको भी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मिक्स कर रही हूँ। तो जब हमारी एक बढ़िया सी महक आने लग जाए ना मसाले में से, तो इसका मतलब हमारा मसाला जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो ये आप जीरा देख लीजिए, जब आपका लगे ना जीरा हमारा लगभग हो गया, तो गैस बंद कर दीजिए और इसको अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दीजिए। तो जब ये हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसको मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। तो बस अब ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब मिक्सी जार लेंगे और इसका एक बढ़िया सा हम पाउडर बना लेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारे छोले बनते हैं जब हम ताजे मसाले से ये बनाते हैं ना अपने छोले, तो वाकई में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और जो ये एक्स्ट्रा बच जाता है इसको एक डब्बी में बंद करके रख दीजिए और उसको बस फिर काफ़ी टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा इतना बढ़िया मसाला। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला तैयार। इसके अलावा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है और यहाँ पे मैंने बारीक अदरक काट लिया है, 3 मैंने हरी मिर्च काटी है, 2 प्याज काटे हैं बारीक और 2 मैंने यहाँ पे टमाटर काटे हैं। टमाटर की आप प्योरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से सीटी लग चुकी है और 5 मिनट भी इसमें हमने लगाए हैं, तो कितने बढ़िया हमारे छोले गले हैं। इसका ये जो पानी है हम इसे फेंकना नहीं है। तो अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप इसमें ज़रूर बनाइए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई आयरन रिलीज करती है। तो मेरे पास वो छोटी है और इसलिए मैं यहाँ पे ये एल्युमिनियम की बड़ी कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल से बना खाना बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे हम इसमें, 1 चम्मच मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ और जब हमारा जीरा अच्छे से पक जाए तब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। तो गैस की फ्लेम जो है वो अभी हम मीडियम ही रखेंगे और जब हमारा जो लहसुन है पक जाए इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और उसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज बारीक कटी हुई और इसको भी हम लगातार तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए।
तो प्याज को हमें यहाँ पे जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको हमें ट्रांसपेरेंट ही रखना है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और अब इनको अच्छे से सारे मसाले को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो प्याज को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो नमक का आपको बड़े ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने छोले उबालते वक्त हमने नमक यूज़ करा था, तो नमक का बिल्कुल ध्यान रखिए। और इसको हम लगातार मिक्स करते हुए अब आ रही है इसमें टमाटर डालने की। तो ये लीजिए, हमने टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इसको लगातार मिक्स करते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारे ये छोले बनके आज तैयार होने वाले हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ये मैंने आधा चम्मच डाली है, और थोड़ी सी मुझे कम लग रही है तो इसमें मैं आधा चम्मच और ऐड कर रही हूँ। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तो टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक के छोड़ देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दो से तीन मिनट हो जाने के बाद ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल इसमें से मसाले में से तेल अलग हो चुका है, इसका मतलब हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया पक चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये तैयार हुआ है। तो अब बारी है इनमें छोले ऐड करने की, जो हमने बॉईल करे थे, और जो उसमें पानी है वो भी हम इसमें ही डाल देंगे। तो पानी को आपको अलग नहीं करना है, क्योंकि पानी में ही इसका असली फ्लेवर होता है छोले का। तो ये हम सारा इसमें डाल देंगे, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे लगातार इस तरह से मिक्स करेंगे, और इसको ढक के छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट हो जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जो छोले हैं वो देखिए कितने बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही मजे के हमारे छोले हैं। तो अगर आपको छोले जो हैं वो थोड़े से टाइट चाहिए, यानी कम ग्रेवी के चाहिए ना, तो गैस को आप थोड़ा सा तेज करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो हमारा जो ये ग्रेवी है थोड़ी टाइट हो जाएगी। और अगर आपको इसी तरह की थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए तो बस बिल्कुल बढ़िया हमारा ये कंसिस्टेंसी है इस टाइम पे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने फाइनली मसाला बनाया था ना अपने छोलों का, तो यहाँ पे मैंने ये 3 चम्मच डाल दिए हैं, और अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, देख रहे हैं आप कितने मज़ेदार के लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड। इनको चाहे आप पराठे के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, भटूरे के साथ खाइए, कुलचे के साथ खाइए, इतने बढ़िया ये लगते हैं। और फाइनली अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा बारीक कटा हुआ धनिया, और इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो देख रहे हैं आप कितने गजब के ये हमारे छोले लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो अब आप मार्केट वालों को भूल जाइए और ये वाले बनाइए। तो इसे बस हम 2 मिनट के लिए और ढक के छोड़ देंगे लो फ्लेम पर, और 2 मिनट बाद फाइनली हमारे छोले, पिंडी छोले, अमृतसरी छोले बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो अब हम इनको रखेंगे सर्विंग बाउल में। थोड़े से हम इसमें टेस्ट करके देखेंगे कि अगर आपको ये थोड़ा सा नमक ठीक है क्या, या खट्टापन चाहिए ना, तो हम इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे, ताकि जो उसका टेस्ट है ना वो और इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया, ताकि ये और ज़्यादा चटपटे लगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं, और क्या कहते हैं बढ़िया सा। अब हम इसमें तड़का लगाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच देसी घी ले रही हूँ, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो और डबल आए। तो यहाँ पे हम अच्छे से घी को मेल्ट करेंगे, आधा चम्मच इसमें जीरा डालेंगे, और आधा चम्मच इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और लीजिए बढ़िया सा तड़का तैयार है। अब हम इसमें हरी मिर्च, और ये डाल दिए हमने तड़का, और थोड़े से हम प्याज के रिंग्स भी इसमें रख देंगे, और धनिया से इसको गार्निश करेंगे। तो देख रहे हैं आप कितने लाजवाब हमारे छोले लग रहे हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।